जामा मस्जिद के भी एक इमाम साहब, अजीब और गरीब, अगर शाहजहां को मालूम होता कि सल्तनत मुगलिया खत्म हो जाएगी, ये इमाम रहेंगे, तो ये होता मैं इमाम बन जाता इसको बादशाह बना देता। अजीब और गरीब, वक्त की जायदाद आपकी जाति जायदाद है अहमद बुखारी, आप अपने बेटे को टीवी प्रोग्राम में था तो उनके भाई बोल रहे उनकी कॉरोनेशन हो रही, कर ताजपोशी हो रही उनकी, कौन सा ताज है वही आपके पास, एक मजाक बना रहे हैं लोगों के सामने हमारे दीन का मजाक। अरे ये वही शख्स है मेरे दोस्तों, 2002 में गुजरात जल रहा था, तबाहियों पर तबाहों बर्बाद करके रख दिया गया, यही मौलाना, यही अहमद बुखारी 2004 के पार्लियामेंट के इंतखाबात में अटल बिहारी वाजपेयी वोट देने की अपील करे, आज कह रहे ये बात कह रहे हैं, अरे मस्जिद को मत इस्तेमाल करो, अगर इतना शौक है पॉलिटिशियन होने का तो उतरो मैदान में मुकाबला करो, आओ हैदराबाद आके लड़ो, अगर वो हिम्मत नहीं है तो जामा मस्जिद में बल्दिया के इलेक्शन लड़के अपनी जमानत बचाओ, अपनी जमानत बचाओ। मगर आज तुम ये जो खेल खेल रहे हो ये गंदा खेल है, 2002 में जब हम चल रहे थे हमने मुकाबला किया बीजेपी से, आज भी हम मुकाबला कर रहे हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं देखते,